हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि यार आप लोग ठीक होंगे और आपके परिवार के सभी सदस्य लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जंगल जा रहा था बकरी के लिए चारा लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार हमारे वहाँ जंगल में क्या क्या चीज़ें होती है बकरियों के लिए भी, और चीज़ें कुछ भी कई चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और मैं अपने साथ में दराती भी लेके गया हूँ, तो इस चीज़ से वो चीज़ें काटूँगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चलो कि हमारे वहाँ का जंगल कैसा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे जंगल में, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं चले गया हूँ जंगल में। यहाँ एकदम सन्नाटा हो रखा है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर अकेला हूँ और आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं। लेकिन इस रास्ते में मतलब कुछ भी हो सकता है, बाघ, तेंदुआ, भालू, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इतनी झाड़ी हो रखी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है अभी कि इसके अंदर से कुछ है या नहीं है, तो अब जाना तो पड़ेगा ही हमें। तो देखते हैं, रिक्शा तो लेना ही पड़ेगा, तो चलते हैं फिर अब आगे को। डर भी लग रही है, ये रास्ता है यहाँ का, इस रास्ते से जाएंगे। घास इतनी बड़ी हो रखी है कि सांप का भी डर लग रहा है कि कहीं सांप ना मिल जाए। चप्पल पहन के आ रखा हूँ मैं भी, जूते पहन के नहीं आ रखा हूँ, और डर लग रही कि यार इतनी बड़ी घास हो रखी है, घास के अंदर सांप मिल जाए या कुछ हो जाए। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। चलो, मैं आधे रास्ते तक पहुँच गया हूँ और देखते हैं और क्या होता है। हाँ, ये देखो, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ मैं कौन से रास्ते से आया अभी। तो अभी यहाँ से आपको रास्ता दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही भयंकर झाड़ियाँ हो रखी है, तो यहीं पर बाघ भी रहता है ऐसी झाड़ियों में। लेकिन हमें और आगे जाना है, मैं अब इस रास्ते से निकलता हूँ आगे को। घास भी बहुत बड़ी हो रखी है और यहाँ पर एक फल और हो रखे है, फल ये इसको महल कहते हैं, अभी पके नहीं है इस पेड़। अभी यहाँ पर डर भी है, जहाँ अच्छी जगह होगी वहाँ से काटेंगे हम। चलो, मुझे वो चीज़ मिल गई है जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया था, बकरी के जो चारा लेने के लिए आया था। तो वो चीज़ ये है, आप देख सकते हो, यह है वो चीज़। इसका नाम वैसे पहाड़ों में सकिनी कहते हैं, तो बकरी इसको बहुत अच्छा मानती है। तो आप एक गौर से देख सकते हो कि कितनी बढ़िया लग रही है ये चीज़ें। और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, और एक सकिनी का पेड़ ये भी है, ये और रखा है। यहाँ जंगल में मुझे एक तितली मिल गई है, तितली बहुत हो रखी है यहाँ, तो मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ। ये है तितली, अब ये उड़ गई है, ये देखो बैठ गई है, एक दूसरी भी आ गई। तो यहाँ पर ऐसा जंगल है, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे पेड़ दिख रहे हैं, तो इन पेड़ों के साथ झाड़ियाँ भी बहुत हो रखी है, इसमें कोई भी जानवर हो सकता है, तो मैं आपको दिखा। दोस्तों, आजकल हमारे पहाड़ों में घिंगारू हो रखे हैं, फल छोटे से फल होते हैं घिंगारू। आप लोगों ने, अगर जो लोग पहाड़ में रहते होंगे उन्होंने बचपन में बहुत सारा खाया होगा ये चीज़ें। खा रहा हूँ आपको, कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसका पेड़ जो है इतने बड़े हो रखे है, पूरे इसमें पूरे फल हो रखे, पूरा लाल दिख रहा है पेड़। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस पेड़ में जो है तोता बैठ रखे हैं, लेकिन तोता का कलर भी हरा हो रखा है, पत्ते भी हरे हो रखे हैं, तो इस कारण से तोते दिख नहीं रहे हैं। तो आप लोग को आवाज़ आ रखी होगी कि इन तोताओं की, तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हरे पेड़ में दिख नहीं रहे हैं।